हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं, और ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है उनकी स्टेटस यहाँ पर दी गई है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि इस तरह के और भी स्टूडेंट्स के नेम दिए गए होते हैं, और ये सीरीज जो आपको छोटी दिखाई दे रही है ये काफी लंबी हो जाती है। ऐसे कंडीशन में प्रेजेंट और एब्सेंट पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं और काउंट इफ का यूज कर सकते हैं, और ये जो काउंट इफ फॉर्मूला है ये आपको दोनों निकाल के दे देगा, ठीक है। ये रेंज चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए उस रेंज से आपको ये निकाल के देगा। तो आइए देखते हैं ये कैसे करेंगे। प्रेजेंट स्टूडेंट की संख्या हमें पता करनी है और जो एब्सेंट स्टूडेंट है उनकी भी संख्या पता करनी है, तो दोनों ही ये बता सकता है। तो ये इफ की बात कर रहा हूँ, इफ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है रेंज, तो हमें ये रेंज सेलेक्ट करनी होगी। जैसे अब क्या करना है, अब यहां से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ये रेंज सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सेलेक्ट करके क्या करना है, कॉमा लगाना है और डिवाइडेड कॉमा में पी लिखना है, ठीक है। खाली पी लिखना है तो ये प्रेजेंट वाली संख्या ये बताएगा, ठीक है। और लिख करके आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन एबसेंट कितने हैं ये कैसे पता चलेगा, तो इज इक्वल टू फिर वही काउंट इफ लगाइए, और काउंट इफ लगा करके ब्रैकेट को ओपन कीजिए और यहां से इसको सेलेक्ट कीजिए। अब ये यहां से ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा दे करके डिवाइडेड कॉमा में ए लिख दीजिएगा तो ये एब्सेंट स्टूडेंट की संख्या बताएगा। तो ये 4 स्टूडेंट एब्सेंट हैं। लेकिन देखिए यहां पर एब्सेंट वाला जो मैंने किया इसका तरीका अलग रहा, यहां पर ई कॉलन ई लिखा हुआ है। अब इसका फायदा क्या है ये देखिए, यहां पर मैं क्या करता हूँ और भी स्टूडेंट के नाम बढ़ा देता हूँ। जैसे यहाँ पे कुंदन लिख देता हूँ, यहाँ पे सुमित लिख देता हूँ, यहाँ पे अमित लिख देता हूँ, यहाँ पे युवराज लिख देता हूँ, यहाँ पे सूरभि लिख देता हूँ। तो ये 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट के नाम हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिए हैं, और यहाँ पर एब्सेंट या प्रेजेंट जो भी है यहाँ पे दे देता हूँ मैं। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर एब्सेंट जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखिए प्रेजेंट एब्सेंट ऑटोमेटिक चेंज होगा अगर आप वो वाला यानी कि आप ये सीरीज बनाएंगे। जैसे यहाँ पे COUNT काउंट इफ लगाया, यहाँ पे अलग जगह लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। और आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हो और फिर कॉमा देकर के, मान लीजिए यहाँ पे आपको प्रेजेंट ही पता करना है, तो कॉमा देकर डिवाइडेड कॉमा में आप पी लिखिए और बंद बंद कीजिए, एंटर कीजिए। तो एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि आपको यहाँ प्रेजेंट स्टूडेंट की संख्या मिल रही है, ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे एब्सेंट करता हूँ, देखिए एब्सेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इज इक्वल टू COUNT काउंट इफ हो गया, ब्रैकेट को ओपन किया, फिर इसको सेलेक्ट कर लिया, पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया, और कॉमा देखिए यहाँ पे ए कर दिया, तो यहाँ पे एब्सेंट स्टूडेंट की संख्या निकलेगी। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या आएगा, एब्सेंट स्टूडेंट की संख्या आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 जो है स्टूडेंट एब्सेंट है। और अगर हम यहाँ पर नीचे और बढ़ा देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ एक और नाम सुमन, ये लिख दिया SUMAN, ये हो गया। और सुमन लिखने के बाद यहाँ पर जैसे ही आते हैं और यहाँ ए कर देता हूँ मैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एब्सेंट स्टूडेंट की संख्या 7 से 8 हो गई है, ठीक है। और अगर नीचे आता हूँ, अभी देखिए प्रेजेंट में 11 है ना, अगर नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए युवराज, ये नाम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, चलिए सही है। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे एक और नाम लिख देता हूँ ये इस तरीके से, और यहाँ पे अब प्रेजेंट कर देता हूँ, तो प्रेजेंट में 11 था लेकिन आप देखिए कितना हो गया है, 12 हो गया है। तो ये फायदा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।